संभल हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल फैजान और विवेक किए गए सम्मानित। फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती समाज को सद्भावना का सबक दे रही है। अराजक तत्वों के मुख पर गहरा तमाचा लगा है। रविवार को नगर सुधार कमेटी की ओर से तरीन कैंपस बहजोई रोड पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विवेक कुमार चौबे और फैजान को राष्ट्रीय सद्भावना गौरव सम्मान से नवाजा। विवेक कुमार चौबे एक रेसलर है और वह राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके हैं। विवेक को दोस्ती कोरोना काल में फेसबुक के जरिए संभल से हसनपुर मुंजपता निवासी फैजान से हो गई। विवेक को ओलंपिक की तैयारी करनी थी, तब उनको उनके साथ फैजान खड़े हो गए। गांव गोनियार, जिला गोपालगंज, बिहार राज्य के रहने वाले रेसलर विवेक कुमार चौबे अब तक राज्य स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक कई बार मेडल जीत चुके हैं। रहने वाले विवेक को अपने घर लेकर फैजान ने ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कराई। दोनों के मजहब अलग होने पर भी दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का ऐसा बंधन बांधा कि एक ने ओलंपिक की तैयारी कराई तो दूसरे ने तैयारी की। इस दूसरे के साथ यह जोड़ी समाज को भाईचारे का पैगाम देकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम कर रही है। मुशीर खान तरीन ने कहा कि अराजक तत्व जिस तरह हिंदू और मुसलमान के रिश्ते में जहर घोलने का काम करते हैं, उनके लिए यह सबक है और नसीहत भी। इस मौके पर विवेक और फैजान को सम्मानित करने वालों में मुअज्जम खान, डॉक्टर नाजिम, वाजिद खान, नवाब साद अली, मास्टर सफदर अली, कमांडर अली आदि शामिल रहे। फैजान साहब, कैसे आपने एकता मिसाल की है कोरोना वायरस के बीच में, क्या कहना चाहते हैं? हमारी फ्रेंडशिप एफबी के द्वारा हुई और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ नौजवानों से, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सिर्फ इंसान बनिए। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा, दूसरी पार्टियाँ होती हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, ये सब उनके लड़ाने का काम। आदमी इंसान बनेगा, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं विवेक जी, किस तरह से आए और क्या चाहते हैं ओलंपिक में, किस परेशानी को? हमें दोस्ती से हम यहाँ पर पहुँचे संभल में और उसके बाद से हमारी तैयारी यहीं पर देसी तरीक़ों से होने लगी। प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज जिला से। और हमारी दोस्ती के अनुसार हम अपने यहाँ आए और यहाँ संभल से हमारी जो भी तैयारी है देसी तरीके से हमें होने लगी। उसके बाद से हम 2021 में ओलंपिक की तैयारी में हम जाने वाले हैं। क्या नौजवानों के लिए पैगाम देना चाहते हैं? जी, हम सारे नौजवानों को यही कहना चाहते हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है अगर हम अपने तैयारी पे कायम रहे तो। थैंक यू सर। क्या जिस तरह सम्मानित किया गया, क्या क्यों किया गया सर, क्या वजह? ये चौबे जी जो हमारे हसनपुर मुंजपता के मोहम्मद फैजान, ये इन्होंने इनके संपर्क में आए और इन्होंने अपनी कोशिशों से इनको वहाँ से बुलाया। लॉकडाउन पीरियड में इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको स्टेडियम खाली नहीं मिल रहे थे प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसे वक्त में इन्होंने इनकी हेल्प की और अपने गांव बुलाया और गांव बुलाकर सारे साधन जो रेसलिंग के होते हैं वो मुहैया करवाए। और आज के दौर में जबकि नफसा नफसी का दौर है, लोग एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे माहौल को बराबर करने के लिए इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा सबूत दिया है। और ये लोग, इनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोगों ने इन्हें सम्मानित किया है नगर सुधार कमेटी की तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों ने, इन दोनों फरीकों ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करके एक बहुत बड़ा काम किया है, हमारे संभल को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्द ओलंपिक में क्वालिफाई करेंगे। और हमारे ये नौजवान साथी चौबे जी से हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और इसी तरह से तरक्कियाँ पे तरक्कियाँ करते चले जाएँ, आगे बढ़ें, हमारी सबकी यही थैंक यू काम है।